अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश की टीचर मिस मरियम खालिद। आज का हमारा लेक्चर हमारे लेसन नंबर 4 माय फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिलेटेड क्विज नंबर 2 एंड क्विज नंबर 3 पर है और बुक वर्क पेज नंबर 18 से है। होपफुली कि आप लोग साथ साथ लेक्चर्स को याद भी कर रहे हैं और आपको वो याद समझ भी आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो बुक वर्क आपको करवाया जाता है वो आप लेक्चर के साथ साथ ही उसको कम्प्लीट किया कीजिए। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माई फैमिली एंड फ्रेंड, द क्वेश्चन इज हाउ मैनी फैमिली मेम्बर डज रिदा हैव। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डज रिदा हैव। हाउ मैनी कितने फैमिली मेम्बर्स, खानदानी लोग डज रिदा हैव रिदा के घर में हैं। द आंसर इज 3 फैमिली मेम्बर्स। 3 फैमिली मेम्बर्स। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डज रिदा हैव। 3 फैमिली मेम्बर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क। वाई डू एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क। वाई, क्यों एहसन और रिदा गो गए टू द पार्क, पार्क में क्यों गए थे। एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क टू मीट देयर फ्रेंड्स। एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क टू मीट देयर फ्रेंड्स। एहसन और रिदा पार्क गए मीट, मिलने देयर अपने फ्रेंड्स, दोस्तों को। अगेन आई रिपीटेड द क्वेश्चन, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स डज रिदा हैव। 3 फैमिली मेम्बर्स। वाई डू एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क। एहसन एंड रिदा गो टू द पार्क टू देयर मीट देयर फ्रेंड्स। मूव ऑन द बुक वर्क पेज नंबर 18। लुक एट द पिक्चर एंड राइट करेक्ट प्रपोजिशन इन द ब्लैंक। आपके सामने जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं उसके अंदर आपको जो सूटेबल वर्ड लगे वो आपने इसमें राइट करना है, जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं ऊपर। द फर्स्ट लाइन सेंटेंस, अहमद इज सिटिंग डैश द फील्ड। अहमद इज सिटिंग बिसाइड द फील्ड्स। द काउ इज स्टैंडिंग ऑन द ग्रास। ब्लैंक में ऑन। द काउ इज स्टैंडिंग ऑन द ग्रास। द नेक्स्ट, द बर्ड इज सिटिंग नियर द वॉटर। There are beautiful butterflies in the flowers. The sun is behind the mountains. Students, ये था हमारा आज का लेक्चर, हमारा लेसन नंबर 4 से रिलेटेड और बुक वर्क से रिलेटेड। होपफुली कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया है और बुक वर्क भी कंप्लीट कर लिया है। हमारे आज के लेक्चर को रिव्यू करें, लेक्चर से रिलेटेड को इसको सॉल्व करें। लेक्चर के दौरान कोई बात आपको समझ में नहीं आती या किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आप डिस्कस करें, हम आपको आंसर करेंगे। लेक्चर्स को साथ साथ याद करें, जो बात मुश्किल लग रही है वो जरूर पूछें। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।